सुनीता चौधरी, आरती का, आरती चौधरी, आरती चौधरी, ऋषिता कलाल, सृष्टि गोयल, अनुष्का। इसको बंद करो, अर्चना मीना। सिंगाड़िया, सुनीता चौधरी, ईशिता कलाल और तस्लीम बानू, पूजा कुमावत, रुचि कुमारी मीना। हैप्पी लाइफ, आपका नाम बोलो बेटा। हैप्पी लाइफ क्या दिखा रखा है? हैप्पी लाइफ नाम बोलो बेटा। हैप्पी लाइफ ये क्या दिखा रखा है? हाँ ऋतिका, बेटा ऋतिका, 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 यस मैम, बेटा ऋतिका ही लिखो हैप्पी लाइफ में, है ना बेटा? ऋतिका, पूजा चौधरी और प्रतिभा शर्मा। प्रतिभा, ज्योति मीणा, कौन कौन आ गया? मनीषा कुमारी, हैप्पी लाइफ, ऋतिका आपका नेम चेंज कर लो, अर्चना मीना, अनुष्का गौतम, ऋषिता कलाल, आरती चौधरी, ठीक है, सुनीता चौधरी, सृष्टि गोयल, सुनीता चौधरी, सृष्टि गोयल, नीटू बागड़ी, कोमल वर्मा, मोनिका, रुचि कुमारी मीना, तस्लीम बानू, ज्योति सेन, लता वर्मा, पूजा कुमावत। हैप्पी लाइफ आपका नेम दिखा दो, ऋतिका, प्रतिभा शर्मा, पूजा चौधरी, ज्योति मीना, ज्योति मीना, ठीक है बेटा। अभी स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। नो स्टॉप के बारे में कल चल रहा था अपन। बीच बेटा आवाज आ रही है? आवाज भी, आवाज नहीं है, जल्दी स्टार्ट कर पाएंगे? आवाज आ रही है ना? आवाज नहीं आए। अच्छा, नोस्ट्रोक के बारे में कल चल रहा था, तो आज भी नोस्ट्रोक के बारे में भी लेंगे। अब अपना क्या मैम, आप नोट करोगे क्या? क्या करेंगे?
आप नोट सेंड नहीं करोगे क्या? नोट सेंड करेंगे बेटा, पहले आप सुनो फिर आपको नोट्स भी सेंड कर देंगे, बीच में पूछती भी जाऊंगी, जरूर करेंगे। अब आपको बुक के नोट्स बुक आ गई क्या सबके पास बेटा? बुक आपने बोला नोट्स सेंड करेंगे करेंगे, आपके पास बुक आ गई क्या सबके पास? नहीं मैम, अवेलेबल नहीं हो रही है। अवेलेबल कॉलेज गए थे क्या बेटा? बुक नहीं है तभी तो नोट्स नहीं है बेटा। बुक आ गई क्या आपके पास? नहीं मैम। यस मैम। अच्छा बेटा, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन नोस्ट्रोक। पहले इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा बता देती हूँ रिप्रोडक्शन इन नोस्ट्रोक। तो नोस्ट्रोक रिप्रोड्यूसेस ओनली वेजिटेटिवली। नोस्ट्रोक विच इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी रिप्रोड्यूसेस ओनली वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली एबसेंट इन द एल्गा नोस्ट्रोक। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन टेक्स प्लेस इन नोस्ट्रोक बाय द फॉलोइंग मेथड्स। नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स और टेक्स प्लेस इन नोस्ट्रोक विच इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है बेटा। फर्स्ट इज फॉर इंग्लिश मीडियम बाय फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। So the colony may break into small fragments due to mechanical, physiological or other factors. Means the colony of nostoc breaks into small fragments. Why? Because of mechanical factors or physiological factors. Then each fragment has the capability to develop into a new colony. हाँ, गैलेक्सी टैब आई है, नाम बोलो बेटा। गैलेक्सी टैब नाम बोलो, इसको मत दिखाओ यहाँ पे। गैलेक्सी टैब क्या बेटा? किरण चौधरी। किरण चौधरी गैलेक्सी टैब बेटा, आपका किरण लिख लेना है पे नाम। किरण चौधरी गैलेक्सी है ना? ठीक है, ओके बेटा, हो गई बात आपकी। किरण चौधरी, ठीक है। मतलब the colony of nostoc breaks into small fragments because of mechanical, physiological or other factors. Each fragment has the capability to develop into a new colony. Then nostoc also reproduces by hormogonia. So what are hormogonia? The trichome breaks into small segments due to the degeneration of the intercalary vegetative cells. Means the intercalary intercalary vegetative cells of the trichome breaks into small segments because of the presence of intercalary heterocysts. So multicellular fragments which are formed are called as hormogonia. Kya bataya? The trichome breaks into small segments due to the degeneration of intercalary vegetative cells or because of the presence of intercalary heterocyst. Multicellular fragments formed are called as hormogonia. They come out of the gelatinous sheet of the colony, grow rapidly and form new colonies. मतलब मैंने, ठीक है। अब नोस्ट्रोक ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस बाय एकाइरिस। इसके बाद हिंदी में बताती हूँ। ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड सम सेल्स ऑफ द ट्राइकोम आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रस्टिंग स्पोर्स और एकाइरिस। दे हैव एन एडिशनल थ्री लेयर्ड कोट आउटसाइड द नॉर्मल सेल वॉल। द प्रोटोप्लाज्म इज फुल ऑफ फूड रिजर्व्स। So the development of echinids takes place in the mature colony. It is always the vegetative cell adjacent to the heterocyst which is the first to metamorphose into echinids. Okay, it is always the vegetative cell adjacent to the heterocyst which is the first to metamorphose into echinids. Metamorphosis of the vegetative cell into echinid is stimulated by certain chemical substances
secreted by the heterocyst. So the echinids have tremendous resistance for cold and drought. During the favorable conditions, the protoplasm becomes active and breaks the thick outer wall and forms a new trichome. So in this manner, Nostra reproduces vegetatively. अब हिंदी मीडियम वालों को बता रही हूँ कि अपन कल क्या देख रहे थे, जनन रिप्रोडक्शन। तो अनेक नील हरित शैवालों की तरह ही नॉस्ट्रॉक में लैंगिक जनन का अभाव होता है। पहली बात तो नॉस्ट्रॉक क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, और इस नॉस्ट्रॉक में लैंगिक जनन का अभाव होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, और नॉस्ट्रॉक केवल कायिक विधि एवं अलैंगिक जनन के द्वारा ही जनन करता है। नॉस्ट्रॉक में क्या पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, या अलैंगिक जनन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब बात करती हूँ नॉस्ट्रॉक में, जो कि एक नील हरित शैवाल है, उसमें कायिक जनन कैसे होता है। नॉस्ट्रॉक में कायिक जनन विखंडन के मारे होता है। अब विखंडन को क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। तो क्या होता है, यांत्रिक क्षति या दुर्घटनावश नॉस्ट्रॉक की कॉलोनी दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाती है। इसमें से प्रत्येक खंड वृद्धि कर नवीन नॉस्ट्रॉक कॉलोनी बनाता है। क्या होता है बेटा, जब यांत्रिक क्षति हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जो नॉस्ट्रॉक की कॉलोनी है, नॉस्ट्रॉक की कॉलोनी दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाती है। नॉस्ट्रॉक की कॉलोनी दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाती है। क्यों टूट जाती है, या तो कोई दुर्घटना हो जाती है या यांत्रिक क्षति हो जाती है। तो प्रत्येक खंड वृद्धि कर नवीन नॉस्ट्रॉक कॉलोनी का निर्माण करता है। दूसरा है हार्मोगोनिया के द्वारा भी नॉस्ट्रॉक में कायिक जनन होता है। अब इसमें हार्मोगोनिया के द्वारा होता है, तो इस प्रक्रिया में नॉस्ट्रॉक ट्राइकोम की संरचना में कायिक कोशिका एवं कायिक कोशिका एवं हेटरोसिस्ट जहां एक दूसरे से संलग्न होती है, उस स्थान पर टूटन होती है एवं ट्राइकोम अनेक खंडों या हार्मोगोनिया में विभक्त हो जाता है। मतलब बेटा क्या है, हार्मोगोनिया के द्वारा भी कायिक जनन होता है। तो जो ट्राइकोम है, कल अपन ने मैंने बताया था ट्राइकोम क्या है, जो तंतु है नॉस्ट्रॉक का, जो फिलेमेंट है, वो एक संश्लेष्मी आच्छद म्यूसिलेजिनस शीट के द्वारा कवर रहता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, ट्राइकोम। तो ट्राइकोम जो नॉस्ट्रॉक का ट्राइकोम है, अनेक खंडों सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, में विभक्त हो जाता है, और इन खंडों को हार्मोगोनिया कहते हैं, हार्मोगोनिया कहते हैं। तो प्रत्येक नग्न खंड या हार्मोगोनियम नए ट्राइकोम का निर्माण करता है। एक बार साक्षी यादव आई हैं, इनका नाम लिख लेते हैं, साक्षी यादव। साक्षी यादव भी आ गई, साक्षी यादव, ठीक है बेटा। तो मतलब क्या होता है, मतलब जो प्रत्येक नग्न खंड है या हार्मोगोनियम है, नए ट्राइकोम का निर्माण करता है। एक नॉस्ट्रॉक कॉलोनी में असंख्य ट्राइकोम्स की उपस्थिति का यही कारण हो सकता है कि अनेक हार्मोगोनिया कायिक जनन के अंतर्गत निरंतर नए ट्राइकोम्स में विकसित होते रहते हैं। ठीक है, एक मिनट, अंजलि जलवानी आई है, इनको भी एडमिट कर देते हैं। अंजलि जलवानिया, अंजलि जलवानिया आ गई, ठीक है। अब इस तरह से नॉस्ट्रॉक में क्या होता है, कायिक जनन संपन्न होता है। अब बात करते हैं नॉस्ट्रॉक में, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसमें
अलैंगिक जनन कैसे होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले को बताया, नॉस्टॉक में अलैंगिक जनन ए काइनेट्स के द्वारा होता है। ए काइनेट्स को और क्या कहते हैं, निषेष्ट बीजाणु। ए काइनेट्स के द्वारा नॉस्टॉक में अलैंगिक जनन होता है। तो अधिकांश नॉस्टॉक की प्रजातियों में ए काइनेट्स का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। मतलब जब बेटा परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो नॉस्टॉक में ए काइनेट्स या निषेष बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये ए काइनेट्स क्या होते हैं, चिरकालिता संरचना होते हैं। ये क्या है, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कौन, ए काइनेट्स। और ए काइनेट्स को ऑर्थो स्पोर्स या ऑर्थो स्पोर्स, ऑर्थो बीजाणु या रेस्टिंग स्पोर्स भी कहते हैं। ए काइनेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्थो स्पोर्स और रेस्टिंग स्पोर्स। ए काइनेट्स को विश्रामी बीजाणु वे आर्थो बीजाणु भी कहते हैं। और ए काइनेट्स का निर्माण दो हेटरोसिस के बीच की कोशिकाओं के द्वारा श्रृंखला के रूप में होता है। हेटरोसिस के बीच में ना होकर ए काइनेट्स का निर्माण दूसरी तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रत्येक ए काइनेट एक बड़ी मोटी भित्ति वाली एवं गोलाकार कोशिका होती है। तो ए काइनेट क्या है, इसको मैंने बताया कि विश्रामी स्पोर भी कहते हैं, रेस्टिंग स्पोर भी कहते हैं। और प्रत्येक ए काइनेट कैसी संरचना है, बड़ी होती है। ए काइनेट बड़ी मोटी भित्ति वाली थिक वॉल्ड एवं गोलाकार स्फेरिकल कोशिकाएं होती हैं। और इन ए काइनेट्स में संचित खाद्य पदार्थ होता है। और संचित खाद्य पदार्थ क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइसियन कणों के रूप में ए काइनेट्स में संचित खाद्य पदार्थ पाया जाता है। तो ए काइनेट्स में रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है जो कि साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। मतलब जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ए काइनेट्स का जीव द्रव्य विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं वाली एक नूतन उद्भिद मतलब एक नई संरचना बनाता है जिसको जर्म लिंग कहते हैं। बेटा जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जैसे ही अनुकूल अवस्थाएं आती हैं, तो जो ए काइनेट है मतलब जो विश्रामी बीजाणु है उसका जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य विभाजित होता है। और जीव द्रव्य के विभाजित होने से दो या दो से अधिक कोशिकाओं वाली एक जर्मलिंग का निर्माण होता है। इसके पश्चात एक काइनेट की पहले आंतरिक एवं बाद में बाह्य भित्ति संपूर्ण रूप से या किसी एक स्थान से गल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मलिंग मुक्त होकर नया तंतु बनाता है। अब बात करते हैं हेटरोसिस के अंकुरण के द्वारा भी नॉस्टॉक में अलैंगिक जनन होता है, बाय जर्मिनेशन ऑफ हेटरोसिस। तो नॉस्टॉक की एक जाति है नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम में हेटरोसिस के अंकुरण द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और विशेष परिस्थितियों में हेटरोसिस बीजाणु के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। मतलब जो हेटरोसिस्ट हैं, किसे बताया, देसिकाचारी के अनुसार प्रयोगशाला परिस्थितियों में लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के पश्चात हेटरोसिस संवर्धन में ही अंकुरित होकर नए ट्राइकोम एवं आगे चलकर कॉलोनी का निर्माण करते हैं। बेटा देसी का चाय ने बताया था कि जब अपन लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जब
लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है, निम्न ताप उपचार दिया जाता है, तो हाइड्रोसिस जो कल्चर मीडियम है उसमें अंकुरित हो जाते हैं। मतलब जब प्रयोगशाला में क्या करते हैं अपन, लो टेम्परेचर देते हैं, निम्न तापमान देते हैं, तो हाइड्रोसिस जो है कल्चर मीडियम में ही अंकुरित हो जाते हैं और नए ट्राइकोम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोसिस के अंकुरण द्वारा नॉस्टॉक में अलैंगिक जनन संपन्न होता है। नेक्स्ट है एंडोस्पोर्स के द्वारा भी, अंतः बीजाणुओं के द्वारा भी नॉस्टॉक में अलैंगिक जनन होता है। तो कुछ प्रजातियों जैसे कि नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम, नॉस्टॉक कम्युने, ये याद रखना पड़ेगा, नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम व नॉस्टॉक कम्युने में हाइड्रोसिस कोशिका की अंतर वस्तुएं विभाजित होकर विशेष प्रकार की संरचनाओं का विकास करती है जिन्हें एंडोस्पोर्स कहते हैं। बाद में हाइड्रोसिस की भित्ति के विघटित हो जाने से ये अंत्य बीजाणु मुक्त हो जाते हैं एवं प्रत्येक अंत्य बीजाणु अंकुरित होकर नए नॉस्टॉक तंतु में विकसित होता है। तो इस तरह अपन ने देखा नॉस्टॉक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब बता रही हूँ कुछ इंग्लिश मीडियम वालों का रह गया, उसके बाद एक नई एल्गी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक। अब बाय हाइड्रोसिस आल्सो द नॉस्टॉक रिप्रोड्यूसेस। तो इन सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक, फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक कम्युने, हाइड्रोसिस फंक्शन एज रेस्टिंग स्पोर्स। मतलब कुछ स्पीसीज है नॉस्टॉक में जैसे कि नॉस्टॉक कम्युने, उनमें हाइड्रोसिस विश्रामी बीजाणु की तरह कार्य करती है। मतलब हाइड्रोसिस फंक्शन और एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर्स इन नॉस्टॉक कम्युने। सो हाउ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द हाइड्रोसिस बिकम्स फंक्शनल एंड जर्मिनेट्स टू फॉर्म ए न्यू ट्राइकोम। जो हाइड्रोसिस का प्रोटोप्लास्ट है वो कार्यशील होकर और अंकुरित होकर एक नया ट्राइकोम का निर्माण करता है। मतलब जो हाइड्रोसिस का प्रोटोप्लाज्म है वो जर्मिनेट होकर एक नए ट्राइकोम बनाता है। एट द एंड ऑफ जर्मिनेशन द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स बाय ए ट्रांसवर्स वॉल टू फॉर्म टू सेल्स। मतलब जर्मिनेशन, एट द एंड ऑफ जर्मिनेशन द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्स एंड बोथ दीज सेल्स डिवाइड अगेन टू फॉर्म ए फोर सेल्ड जर्मलिंग। क्या होता है बेटा, प्रोटोप्लास्ट जो है जीव द्रव्य एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा विभाजित होता है और दो कोशिकाएं बनाता है, दोनों कोशिकाएं फिर से विभाजित होकर चार कोशिकीय जर्मलिंग का निर्माण करते हैं। मतलब एट द एंड ऑफ जर्मिनेशन द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स बाय ए ट्रांसवर्स वॉल टू फॉर्म टू सेल्स। Now these two cells again divide to form a four-celled germling. So the thick wall of the heterocyst ruptures at this stage and the germling comes out and develops into a new trichome. Last है by endospore, मतलब जो हिंदी मीडियम वालों को बताया है, अंत है बीजाणु के द्वारा by endospore. तो in some of the species of nostoc, nostoc commune, and nostoc microscopicum, the protoplasm of the heterocyst divides successively to form heterocyst. मतलब नॉस्टॉक की कुछ प्रजातियों में जैसे कि नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम में तो जो हेट्रोसिस्ट का जीव द्रव्य है, हेट्रोसिस्ट का प्रोटोप्लाज्म है, वो सक्सेसिवली विभाजित होता जाता है। मतलब सक्सेसिवली विभाजित होकर एंडोस्पोर्स का निर्माण करता है। और एंडोस्पोर्स कैसे हैं, थिन वॉल्ड है, पतली भित्ति युक्त होते हैं, एंड सो एंडोस्पोर्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रेस्टिंग स्पोर्स। चूंकि एंडोस्पोर्स पतली भित्ति वाले होते हैं,
हिंगवॉल होते हैं, इसलिए एंडोस्पोर्स को विश्रामी बीजाणु नहीं कहते. So the disintegration of the capsule wall results in the liberation of the endospores. तो जब capsule wall या जो कोशिका भित्ति है वो विघटित हो जाती है तो endospores मुक्त हो जाते हैं and the rounded spores later germinate to form new trichomes. तो इस तरह अपना नॉस्ट्रोक कंप्लीट हो गया. नॉस्ट्रोक आपके कोर्स में है, ये शैवाल है तो नॉस्ट्रोक अपना आज ये कंप्लीट हो गया. अब अपन स्टार्ट करेंगे एक नई एल्गी है बॉलबॉक्स. मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ. तो बॉलबॉक्स सबसे पहले अपन देखते हैं बॉलबॉक्स. नॉस्ट्रोक अपना कंप्लीट हो गया. इसकी बॉलबॉक्स नामक एल्गी की सिस्टेमेटिक पोजिशन क्या है, वर्गीकरण स्थिति क्यों है. वर्गीकरण स्थिति इसलिए देखते हैं क्योंकि अपन प्रैक्टिकल में जब भी नॉस्ट्रोक करेंगे, कारा करेंगे या कोई भी एल्गी की स्पीसीज करेंगे तो सबसे पहले वर्गीकरण देना होता है, क्लासिफिकेशन देना होता है. तो सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं, वर्गीकरण स्थिति. तो फ्रिश के अनुसार एक एल्गोलॉजिस्ट थे, इनका नाम क्या था, फ्रिश. तो फ्रिश ने एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया था. तो फ्रिश के अनुसार नॉस्ट्रोक को कौन से डिवीजन में रखा गया है, डिवीजन है हेलोफाइटा. फिश के अनुसार वॉल्वॉक्स, अपन वॉल्वॉक्स की चर्चा कर रहे हैं, वॉल्वॉक्स को कौन से डिवीजन में रखा गया है, डिवीजन है हेलोफाइटा. और वॉल्वॉक्स की क्लास कौन सी है, क्लोरोफाइसी. और ऑर्डर क्या है जिसमें कि वॉल्वॉक्स को रखा गया है, वॉल्वोकेल्स है. और फैमिली है जिसमें कि वॉल्वॉक्स को रखा गया है, स्फीरेलेंसी. और जीनस है वॉल्वॉक्स. तो फ्रिश के अनुसार बेटा वॉल्वॉक्स को विभाग थैलोफाइटा में रखा गया है और वॉल्वॉक्स को क्लास वर्ग क्लोरोफाइसी में रखा गया है. और वॉल्वॉक्स को गण मतलब ऑर्डर, जैसे कि नाम है वॉल्वॉक्स, ऑर्डर क्या है, वॉल्वोकेल्स में रखा गया. और फैमिली है स्पिरेलेसी में रखा गया. और जीनस किसकी बात अपन कर रहे हैं, वंश वॉल्वॉक्स की. वॉल्वॉक्स पे क्वेश्चन आता ही है. इसी प्रकार ये तो अपन ने देखा किसके अनुसार है वर्गीकरण स्थिति. फैमिली है बेटा, जैसे कि नाम है फैमिली फ्रिश के अनुसार है स्पिरेलेसी. अब बेटा इसे आपने पूछा फैमिली क्या है, तो स्मिथ ने जो इसको रखा वॉल्वॉक्स को, तो वॉल्वोकेसी. ठीक है, स्मिथ ने ऐसे आपने पूछा फैमिली क्या है, कुल क्या है, तो स्मिथ ने तो क्या किया बेटा, अभी मैं बताऊंगी. स्मिथ ने वॉल्वॉक्स को फैमिली वॉल्वोकेसी में रखा. लेकिन फ्रिश ने, आपके क्वेश्चन का जवाब कि फ्रिश ने वॉल्वॉक्स को फैमिली स्पिरेलेसी में रखा और स्मिथ ने वॉल्वॉक्स को फैमिली मतलब कुल वॉल्वोकेसी में रखा. अब मैं बता रही हूँ बेटा स्मिथ के अनुसार डिवीजन वॉल्वॉक्स को कौन से डिवीजन में रखा, क्लोरोफाइटा. और स्मिथ ने वॉल्वॉक्स को कौन सी क्लास वर्ग में रखा, क्लोरोफाइसी. क्यों रखा, क्योंकि क्लोरोफाइसी में क्यों रखा वॉल्वॉक्स को, क्योंकि ये हरा शैवाल है मतलब ग्रीन एल्गी है. और कौन से ऑर्डर में स्मिथ ने वॉल्वॉक्स को रखा, आपने इसे फैमिली पूछा था, स्मिथ ने रखा वॉल्वोकेसी. किसमें रखा, सॉरी वॉल्वोकेल्स. एल्स लगा देंगे बेटा, ऑर्डर आएगा तो अपन एल्स लगा देंगे, ऑर्डर आएगा तो एल्स लगा देंगे. तो स्मिथ ने वॉल्वॉक्स का क्या ऑर्डर दिया, गण वॉल्वोकेल्स. और जैसे कि आपने पूछा था फैमिली वॉल्वोकेसी, कुल क्या है वॉल्वोकेसी. जीनस वंश अपन वॉल्वॉक्स की ही बात कर रहे हैं, जीनस है वॉल्वॉक्स की बात, ये अपनी वॉल्वॉक्स की बात है. अब इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता देती हूँ, फिर हिंदी मीडियम वालों को. तो वॉल्वॉक्स इज द हाईली इवॉल्व्ड
सिनोबियल एल्गा। बॉलबॉक्स क्या है? इट इज ए सिनोबियल एल्गा। बोथ 20 स्पीसीज ऑफ बॉलबॉक्स अकर इन फ्रेश वाटर ऑफ टेम्पररी और परमानेंट पूल्स। मतलब 20 प्रजातियां हैं वॉल्वॉक्स की, जो कहाँ पाई जाती हैं? फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। और कहाँ? इन 20 स्पीसीज ऑफ वॉल्वॉक्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑफ टेम्पररी और परमानेंट पूल्स एंड द वॉल्वॉक्स स्पीसीज अकर एज माइन्यूट स्फेरिकल और ओवॉइड बॉल्स ऑफ पिन हेड साइज। तो बॉलबॉक्स की जो स्पीसीज है कैसी होती है? कॉलोनी बॉलबॉक्स की माइन्यूट होती है, स्फेरिकल माने गोलाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, ठीक है। तो द कॉलोनीज ऑफ बॉलबॉक्स मल्टीप्लाई सो रैपिडली ड्यूरिंग द रेनी सीजन दैट द एंटायर पॉन्ड इज कवर्ड बाय द बॉलबॉक्स कॉलोनी एंड लुक्स ग्रीनिश। मैंने क्या बताया? जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है बेटा, वर्षा ऋतु में अत्यधिक तीव्रता से वृद्धि करती है। और चूंकि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी वर्षा ऋतु में अत्यधिक तीव्रता से वृद्धि करती है, तो एंटायर पॉन्ड जो है, तालाब जो है, वो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी से ढक जाता है। और पॉन्ड कैसा दिखता है? ग्रीनिश दिखता है, हरे रंग का दिखता है। तो 5 स्पीसीज ऑफ वॉल्वॉक्स आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में वॉल्वॉक्स की 5 प्रजातियां मिलती हैं। एक है बेटा, मेन प्रजातियां बता रही हूँ, वॉल्वॉक्स ग्लोवेटर, वॉल्वॉक्स ग्लोवेटर, वॉल्वॉक्स ऑरियस, वॉल्वॉक्स प्रोलिफिकस। कौन सा देखा? वॉल्वॉक्स ग्लोवेटर, वॉल्वॉक्स ऑरियस, वॉल्वॉक्स प्रोलिफिकस एंड वॉल्वॉक्स एफ्रिकन्स। तो अब अपन देखते हैं थैलस स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वॉक्स। पहले हिंदी मीडियम वालों को बता देती हूँ, कुछ वॉल्वॉक्स के प्राप्ति स्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अक्रेंस ऑफ वॉल्वॉक्स, तो वॉल्वॉक्स बेटा एक हरा शैवाल है, ग्रीन एल्गी है, और यह है वॉल्वॉक्स स्वच्छ व स्थिर जल में उत्पन्न होता है। वॉल्वॉक्स कहाँ मिलता है? स्वच्छ जल में व स्थिर जल में, ठीक है। और वॉल्वॉक्स वर्षा ऋतु के प्रारंभिक दिनों में जलाशयों जैसे गड्ढों, तालाबों तथा झीलों आदि के अलवणीय जल की सतह पर तैरती हुई सूक्ष्म गेंदों के रूप में दिखाई देते हैं। तो वॉल्वॉक्स और किसमें मिलते हैं बेटा? जलाशयों में मिलते हैं, जैसे कि गड्ढे हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, उनमें भी वॉल्वॉक्स की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। अब वॉल्वॉक्स कभी कभी इतनी अधिकता में पाया जाता है कि तालाब का संपूर्ण जल इसकी उपस्थिति के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। क्या बताया? कि जब वर्षा ऋतु आती है तो वॉल्वॉक्स इतनी अधिकता में पाया जाता है कि तालाब का संपूर्ण जल वॉल्वॉक्स की उपस्थिति के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। और वॉल्वॉक्स का नाम लेटिन शब्द वॉल्बियर के आधार पर रखा गया है। लेटिन शब्द क्या है बेटा? वॉल्बियर, VOLBER। तो वॉल्वॉक्स का नाम लेटिन शब्द वॉल्बियर के आधार पर रखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है। वॉल्बियर का मीनिंग क्या है बेटा? लुढ़कना। वॉल्बियर को क्या कहते हैं? लुढ़कना। तो वॉल्वॉक्स को रोलिंग एल्गा के नाम से भी जाना जाता है। वॉल्वॉक्स इज ए ग्रीन एल्गा एंड वॉल्वॉक्स इज आल्सो कॉल्ड एज रोलिंग एल्गा। वॉल्वॉक्स को लुढ़कना शैवाल, वॉल्वॉक्स को लुढ़कना शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। और इस शब्द से मतलब लुढ़कने शैवाल से शैवाल को विशिष्ट गति का संकेत मिलता है। वॉल्वॉक्स कॉलोनी जल में लुढ़कती हुई दिखाई देती है। मतलब वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड एज रोलिंग एल्गा।
क्यों कहते हैं वॉल्वॉक्स को लुढ़कना शैवाल? क्योंकि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जल में लुढ़कती हुई दिखाई देती है। तो सबसे अधिक मिलने वाली वॉल्वॉक्स की जाति कौन कौन सी है? एक तो है बेटा वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर। दूसरी है वॉल्वॉक्स अफ्रीकेंस, ये याद रखने पड़ेंगे, वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, वॉल्वॉक्स अफ्रीकेंस, वॉल्वॉक्स प्रोलिफिकस, वॉल्वॉक्स ऑरियस, वॉल्वॉक्स ऑरियस एंड वॉल्वॉक्स रूसेल्टाई, वॉल्वॉक्स रूसेल्टाई। तो इनमें से वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर सबसे सामान्य रूप से पाई जाती है। तो ये तो हुई वॉल्वॉक्स की बात। वॉल्वॉक्स कैसा है, वापिस थोड़ी सी पॉइंट रिपीट करती हूँ, हरा शैवाल है, ग्रीन एल्गा है, एंड दिस वॉल्वॉक्स विच इज अ ग्रीन एल्गा इज ऑल्सो नोन एज रोलिंग एल्गा। इसको और क्या कहते हैं, लुढ़कना शैवाल कहते हैं। और वॉल्वॉक्स जलाशयों में पाया जाता है, जैसे कि गड्ढे हैं, तालाब हैं, झीलों में वॉल्वॉक्स तैरती हुई सूक्ष्म गेंदों के रूप में दिखाई देता है। वॉल्वॉक्स अपीयर्स एज माइन्यूट बॉल्स। वॉल्वॉक्स कैसे दिखाई देता है, तैरता हुआ सूक्ष्म गेंदों, गेंद का मतलब जो बॉल होती है ना, सूक्ष्म गेंदों के रूप में दिखाई देता है। और कुछ जातियां जो वॉल्वॉक्स ही है, उनमें कुछ प्रमुख जातियां मैंने बताई दी। तो वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर सबसे सामान्य रूप में पाई जाती है। अब वॉल्वॉक्स की संरचना देखते हैं, तो ये हरे रंग का कॉलोनियल शैवाल है, मतलब वॉल्वॉक्स इज ए ग्रीन कलर्ड कॉलोनियल एल्गी। इसमें कोशिकाएं एक जिलेटिनी आच्छद की परिधि के अंदर एक परत में व्यवस्थित होती हैं, तथा कॉलोनी के केंद्रीय खोखले भाग में जिलेटिनी आधात्री जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा रहता है। तो वॉल्वॉक्स की आकृति कैसी है बेटा, गोल है अथवा अंडाकार होती है। तो वॉल्वॉक्स कैसा है, हरे रंग का कॉलोनियल शैवाल है। और वॉल्वॉक्स की जो आकृति है वो गोल होती है, स्फेरिकल होती है या अंडाकार होती है। और कॉलोनी का व्यास, व्यास का मतलब डायमीटर, लगभग 0.5 मिलीमीटर होता है। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी का डायमीटर व्यास 0.5 मिलीमीटर होता है। तो इस प्रकार अभी हो रहे 8:38, अपन बात किसकी कर रहे हैं,